नमस्कार आप सभी को, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 42 में प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है, लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट विथ प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन PGF। का मतलब है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन गिवेन बाय GXT एंड GYT रेस्पेक्टिवली सच दैट GXT इक्वल टू टी स्क्वेयर बाय 2 माइनस टी होल टू द पावर 5, GYT इक्वल टू टी बाय 4 माइनस 3T होल स्क्वेयर। इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई देन फाइंड प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ GZT। तो हम लोग के पास दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन GXT और प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन GYT, और यहां पर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमें प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन निकालना होगा, किसका? GZT। तो हम लोग जानते हैं अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड होता है तो GZT इक्वल टू GXT मल्टीप्लाई GYT। तो GXT है टी स्क्वेयर बाय 2 माइनस टी होल टू दी पावर 5, और GYT है टी बाय 4 माइनस 3T होल स्क्वेयर, और मिला जुला करके हो जाएगा टी क्यू बाय 2 माइनस टी होल टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3T होल स्क्वेयर। तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन GZT निकल गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम है कि दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन GXT इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई 1 प्लस 2T प्लस 2T स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो निकालना होगा जेड का वैल्यू, और नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये रैंडम वेरिएबल एक्स का निकालना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर GXT प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन होता है तो हम लोग जानते हैं GX1 इक्वल टू 1, ये नंबर 1 हो गया। तो दिया हुआ है गिवेन दैट GXT इक्वल टू जेड अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2T प्लस 2T स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये नंबर 2। टी का वैल्यू 1 बैठाते हैं तो क्या होता है देखते हैं। GX1 इक्वल टू जेड 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वेयर होल स्क्वेयर, और यहां पर नंबर 1 में देखते हैं GX1 इक्वल टू 1 है तो पुट कर देते हैं यहां पर 1। तो जेड यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 2 होल स्क्वेयर, ये यूजिंग 1। इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू जेड, यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 1 5 का स्क्वेयर 25। तो जेड का वैल्यू हो गया 1 बाय 25, ये नंबर 3 हो गया। तो ये नंबर 1 सॉल्यूशन हो गया। अब नंबर 2, यूजिंग 3 इन 2
टू में हम जेड का वैल्यू बैठा लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं, हम लोग को मिलेगा जी एक्स टी इक्वल टू 1/25 1 + 2t + 2t² होल स्क्वेयर इंप्लाइज दैट जी एक्स टी इक्वल टू 1/25। अब होल स्क्वेयर को हम लोग तोड़ते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला हो जाएगा, तो 1² + 2t² मतलब 4t² 2t² का स्क्वेयर मतलब 4t⁴ प्लस 2 × 1 × 2t प्लस 2 × 1 × 2t² प्लस 2 × 2t² तो ये हो गया 1/25। यहाँ पर 1 + 4t² + 4t⁴ + 4t + 4t² + 8t³ इसको लिख सकते हैं 1/25 1 + यहां पर 4t यहां पर 4t² + 4t² 8t² + 8t³ + 4t⁴ इसको लिख सकते हैं 1/25 + 4/25t + 8/25t² + 8/25t³ + 4/25t⁴ तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी फॉर कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, रैंडम वेरिएबल जीरो के लिए ये प्रोबेबिलिटी, ये इसीलिए ये पी जीरो हो गया, ये पी वन टी, ये पी टू टी स्क्वेयर, ये पी थ्री टी क्यू और ये पी फोर टी टू दी पावर फोर। तो इसको नंबर दे देते हैं हम लोग 4। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स विल बी, यहां पर एक टेबल बना लेते हैं जहां पर रैंडम वेरिएबल एक्स है और यहां पर प्रोबेबिलिटी है। ये रैंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू 0 तो प्रोबेबिलिटी है वहां 1/25, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1 तो प्रोबेबिलिटी p1 है 4/25, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 तो p2 है 8/25, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 3 तो p3 है 8/25, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 4 तो p4 है 4/25। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम लोग यहां पर z का वैल्यू भी निकाला जो कि 1/25 है और यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल x का निकल गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जी एक्स टी इक्वल टू 1/10 4t + 3t² + 2t³ + t⁴। तो हमें रैंडम वेरिएबल x के लिए मीन और वेरिएंस निकालना है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं
चूंकि दिया हुआ है जी एक्स टी इक्वल टू 1 बाई 10 अंडर ब्रैकेट 40 प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 2 टी क्यूब प्लस टी टू दी पावर 4, माना कि ये नंबर 1 है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जी प्राइम एक्स टी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 10 40 का डिफरेंशिएशन 4, 3 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो यहां पर 6t हो गया, 2t क्यूब का डिफरेंशिएशन, यहां 2 है, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, मतलब 6t स्क्वायर हो गया, और t टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब हो गया, ये नंबर 2 हो गया। फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जी एक्स डबल प्राइम टी, तो ये 1 बाई 10, 4 का डिफरेंशिएशन 0, 6t का डिफरेंशिएशन 6, 6t स्क्वायर, या t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो यहां पर 12t हो गया, 4t क्यूब, या 4 है, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, मतलब 12t स्क्वायर हो गया, तो ये नंबर 3, पुटिंग t इक्वल टू 1 इन 2, दो में t का वैल्यू 1 दे देते हैं, तो हमें मिलेगा g प्राइम x 1 बाई 10 4 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 1 क्यूब, तो ये हो गया 1 बाई 10, यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 20, तो ये हो गया 2, ये नंबर 4 हो गया। तो चूंकि ये जी एक्स टी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके अगर टी का वैल्यू 1 दे देते हैं तो वह मीन होता है, तो इसका मतलब हो गया मीन हो गया 2, ये नंबर 5। पुटिंग टी इक्वल टू 1 इन 3, थ्री में टी का वैल्यू 1 बैठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी एक्स डबल प्राइम 1 बाई 10 0 प्लस 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये 30 हो गया, तो 30 बाई 10 मतलब 3 हो गया, ये नंबर 6। क्योंकि हम लोग जानते हैं वेरिएंस इक्वल टू जी डबल प्राइम एक्स 1 प्लस जी प्राइम एक्स 1 माइनस जी प्राइम एक्स 1 होल स्क्वायर, तो ये तो 3 है ये नंबर 6 में, और ये 2 है नंबर 5 या 4 में, माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 4 मतलब 1 हो गया, ये नंबर 7। तो वेरिएंस का वैल्यू 1 हो गया या मीन का वैल्यू 2 हो गया, तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है फाइंड प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू r के लिए प्रोबेबिलिटी PR इक्वल टू लैम्डा टू द पावर r e टू द पावर माइनस लैम्डा बाय फैक्टोरियल r, तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जी एक्स
टी हो जाएगा सिग्मा पी आर टी टू दी पावर आर, यहां पर पी आर है लैम्डा टू दी पावर आर ई टू दी पावर माइनस लैम्डा बाई फैक्टोरियल आर, ये टी टू दी पावर आर। तो ई टू दी पावर माइनस लैम्डा को बाहर कर लेते हैं, वेरिएबल है आर यहां, तो रह जाएगा तो सिग्मा यहां पर लैम्डा टी टू दी पावर आर बाई फैक्टोरियल आर, तो e टू दी पावर माइनस लैम्डा, इसका मतलब हो गया ये e टू दी पावर लैम्डा t, और हम लोग कॉमन लेते हैं लैम्डा, तो रह जाएगा t माइनस वन। तो ये प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जी एक्स टी इक्वल टू e टू दी पावर लैम्डा अंडर ब्रैकेट t माइनस वन, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का वैल्यू निकल गया, तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन को निकालना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रेंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू आर के लिए प्रोबेबिलिटी होता है पी आर इक्वल टू एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर, ये नंबर वन हो गया, जहां पर पी है प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस इन ए ट्रायल, और क्यू है प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियोर इन ए ट्रायल, और साथ साथ होता है पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, एक ट्रायल में ये सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, और एक्स इक्वल टू आर मतलब आर नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ये नंबर टू हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन होगा विल बी जी एक्स टी इक्वल टू सिग्मा पी आर टी टू दी पावर आर, पी आर है एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर, और यहां पर टी टू दी पावर आर, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा एन सी आर पी टू दी पावर आर टी टू दी पावर आर मिलके पी टी टू दी पावर आर, और क्यू का वैल्यू वन माइनस पी वन माइनस पी टू दी पावर एन माइनस आर। चूंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए आर इक्वल टू जीरो टू एन ले लिया, तो ये एक्सपेंशन को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से इसको लिख देंगे वन माइनस पी प्लस पी टी टू दी पावर एन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन हो गया, और हम लोग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि एक सीड यानी बीज का जर्मिनेट होने का यानी अंकुर होने का प्रोबेबिलिटी 0.35 है। मान लेते हैं कि अंकुर अगर निकल जाता है तो उसको सक्सेस ट्रायल बोलेंगे। इसका मतलब है कि एक ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 0.35 है। तो हम लोगों के पास चार सीड है यानी चार बीज है,
उसमें एक भी अंकुर हो सकता है, दो भी अंकुर हो सकता है, तीन भी, चार भी, मतलब हम लोग को सक्सेस मिलने का जो है, एक बार में भी सक्सेस मिल सकता है, दो बार में भी सक्सेस मिल सकता है, तो तीन बार सक्सेस मिलना या चार बार सक्सेस मिलना। तो अभी देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 0.35, तो लिखते हैं एक ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी पी ये 0.35 है। अगर सक्सेस नहीं हुआ, मतलब अंकुर नहीं हुआ, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1 माइनस पी, क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.35, तो ये 0.65 हो गया। तो टोटल चार बीज है, मतलब चार ट्रायल होगा टोटल, तो एन इक्वल टू 4 हो गया। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, देयरफॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन जी एक्स टी क्या होगा, इसमें होता है 1 माइनस पी प्लस पी टी टू द पावर एन, एन हो गया यहां 4, तो 1 माइनस 0.35 प्लस 0.35 टी टू द पावर 4, तो ये हो गया 0.65 प्लस 0.35 टी टू द पावर 4, ये नंबर 1 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं जी एक्स प्राइम टी, तो हो जाएगा 4 0.65 प्लस 0.35 टी मल्टीप्लाई 0.35, तो हो गया जी एक्स प्राइम टी इक्वल टू 4 और 0.35 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.40, और यहां पर 0.65 प्लस 0.35 मल्टीप्लाई टी। अब टी का वैल्यू 1 दे देते हैं, पुटिंग टी इक्वल टू 1, तो मिलेगा जी प्राइम एक्स 1 इक्वल टू 1.4 0.65 0.35 मल्टीप्लाई 1, ये दोनों का जोड़ 1 हो जाता है, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1, मतलब 1.4, क्योंकि ये मीन होता है, तो मीन का वैल्यू मिल गया 1.4। तो हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मीन निकल गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।